श्रीलंका सरकार ने देश में मौजूदा आर्थिक संकट से प्रभावित न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों को 3000 से 7500 रुपए के बीच नगद सहायता मुहैया कराने की घोषणा की है। इस आशय का फैसला सोमवार को ही मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश पर दूसरे देशों और संगठनों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों पर जवाबी कदम उठाने का आदेश दिया है। उन्होंने पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कार्रवाई का बदला लेने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाने को लेकर एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समावेशिता और सांस्कृतिक विविधता भारतीय समुदाय की शक्ति है, जो हम सभी को हर पल जीवंत महसूस कराती है। डेनमार्क में बसे भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मोदी ने ये भी कहा कि सभी भारतीय राष्ट्र की रक्षा के लिए साथ खड़े होते हैं और राष्ट्र निर्माण में हाथ बटाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को औपचारिक रूप से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। अमेरिका और पश्चिमी अधिकारियों का मानना है कि ये एक ऐसा कदम है जो मॉस्को के रिजर्व बलों को पूरी तरह से जुटाने में सक्षम होगा, क्योंकि आक्रमण के प्रयास लड़खड़ा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को टेलीफोन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। पुतिन ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुएल मैक्रों के साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की और पश्चिम से अत्याचार को रोकने के लिए कीव पर दबाव बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपनी डेनमार्क यात्रा के दौरान इंटरनेट मीडिया के लोकप्रिय शब्द फोमो का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सुधारों और निवेश अवसरों के मद्देनजर ये कह सकते हैं कि जो लोग भारत में निवेश नहीं कर रहे वो निश्चित रूप से चूक जाएंगे। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान शासन और पाकिस्तान का जबरदस्त गठजोड़ रहा है, हालांकि अब इस दोस्ती में थोड़ी दरार दिखनी शुरू हो गई है। ये हैरानी की बात है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन के एक साल पूरा होने से पहले ही दोनों पड़ोसी मुल्क आमने सामने खड़े हो चुके हैं। दरअसल इस तनाव के पीछे ड्यूरंट रेखा सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान विश्व की पांचवी सबसे खतरनाक जगह है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएफयूजे ने शहबाज सरकार से पाकिस्तान में मीडिया के खिलाफ बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन के बीच मीडिया कर्मियों और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया है। ट्विटर को खरीदने का सौदा करते ही टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क के पास नौकरियों के निवेदन आने लगे हैं। निवेदन करने वालों में मस्क के कई प्रशंसक और प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा है कि भारत ने बीते कुछ वर्षों में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए काफी सराहनीय कदम उठाए और उन्हें विश्वास है कि 2047 तक देश का हर एक बच्चा सुरक्षित और शिक्षित होगा। अमेरिका के अमीर राज्यों में से एक कनेक्टिकट के सदन में कथित रूप से सिखों की आजादी के वर्षगांठ को मान्यता देने का उल्लेख करने पर भारतीय अमेरिकियों ने कड़ा रोष जताया है। उल्लेखनीय है कि कनेक्टिकट राज्य में 20,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, जिसमें करीब 500 सिख के परिवार हैं। अमेरिका में एक शीर्ष अधिकारी ने दावा किया है कि रूस इस महीने पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। वो दक्षिणी शहर खेरसोन को स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पर मान्यता देने की भी तैयारी में है। इधर रूसी सेना ने खार्किव पर फिर से बमबारी की है। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों को भी निशाना बनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1,30,00,000 बच्चे महामारी की शुरुआत के बाद से कोविड-19 संक्रमण का शिकार हुए हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 4 हफ्तों के दौरान अमेरिका में 1,49,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। 2022 की शुरुआत के बाद से 50,00,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। अमेरिका में गर्भपात कानून को लेकर काफी विवाद चल रहा है। इस बीच एक 22 वर्षीय गर्भपात विरोधी कार्यकर्ता सैन फ्रांसिस्को की सबसे ऊंची 60 मंजिला इमारत पर चढ़ गया। गर्भपात के अधिकारों पर फैसला पलटने को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लीक होने के बाद लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत पिछले साल से 8 अंक फिसल कर इस साल 150वें स्थान पर पहुंच गया। विश्व की मीडिया पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था
रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स के सूचकांक में नेपाल को छोड़कर बाकी भारत के पड़ोसी देशों का भी स्थान नीचे गिरा है। कनाडा में यूक्रेनी राजदूत ने कहा कि रूस यौन हिंसा को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अमेरिका ने कहा कि रूस इस महापूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने और दक्षिणी खेरसान को स्वतंत्र गणराज्य के तौर पर मान्यता देने की योजना बना रहा है। रूस पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन में लड़ाई को फोकस कर रहा है और कई इलाके उसके कब्जे में आ चुके हैं। कारपेंटर बोले कि ऐसे सबूत हैं कि कुछ स्थानीय मेयर और नेता अगवा हुए हैं। इंटरनेट फोन सेवाएं भी बंद हैं। कब्जे वाले क्षेत्रों के स्कूलों में रूसी पाठ्यक्रम भी शीघ्र लागू किया जाए। यूक्रेन पर रूसी हमले की शुरुआत से अब तक करीब 2 लाख बच्चों समेत 10 लाख से अधिक यूक्रेनी सुरक्षित निकालकर रूस ले जाए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के अफसर मिखाइल ने बताया कि 24 घंटे के दौरान यूक्रेनी अफसरों की मदद के बिना ही 11,550 लोगों को सुरक्षित निकालकर रूस ले जाया गया है। अमेरिकी सांसद चक शूमर ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूसी विदेश मंत्री लावरोव की टिप्पणियों की निंदा की है। शूमर ने कहा है कि रूस यहूदियों के खिलाफ एक तरह से मनोरोगी द्वारा रची गई साजिश वाले सिद्धांत के जरिए क्रूर हमलों को सही ठहरा रहा है, लेकिन वो किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, हिमानापन। अमेरिकी निचले सदन के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने यूक्रेन के औचक दौरे से लौटकर कहा कि रूसी हमले से निपटने के लिए अमेरिकी संसद को यूक्रेन को और अधिक सहयोग देने की जरूरत है। उन्होंने कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। रॉकेट लैब ने अपने छोटे इलेक्ट्रॉन रॉकेटों को पुनः इस्तेमाल योग्य बनाने की कोशिश की। उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए रॉकेट को हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर के चालक दल के सदस्यों को सुरक्षा कारणों के चलते उसे छोड़ना पड़ा और रॉकेट प्रशांत महासागर में गिर गया। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त गायत्री इस्सर कुमार ने भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर और 12वीं सदी के भारतीय दार्शनिक और समाज सुधारक बसवेश्वर को लंदन में श्रद्धांजलि दी। भगवान बसवेश्वर की 889वीं जयंती पर लंदन में उनकी प्रतिमा और अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने अपनी प्रधान ब्याज दर को बढ़ाने का फैसला किया। केंद्रीय बैंक ने 11 साल से अधिक समय में पहली बार ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा स्फीति बढ़कर 5.1% हो गई। ये 2001 के बाद महंगाई की उच्चतम वार्षिक दर है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने मुद्रा स्फीति को 2-3% के बीच करने का लक्ष्य तय किया। दक्षिण पूर्वी एशिया और यूरोप के कुछ देशों में तो कोरोना के नए मामलों ने चिंता काफी बढ़ा दी है। दक्षिण कोरिया में रोजाना के मामले सर्वाधिक दर्ज हो रहे हैं। करीब 5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 1.73 करोड़ आबादी संक्रमित हो चुकी है, तो वहीं दुनिया भर में कोरोना मामले 51 करोड़, मौतें 62 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। फिनलैंड और स्वीडन के शीर्ष नेताओं ने संकेत दिया है कि उनकी सरकारों ने नाटो की सदस्यता पर अभी निर्णय नहीं लिया। हालांकि यूक्रेन में रूस की आक्रामकता के मद्देनजर उन्होंने यूरोपीय देशों के साथ करीबी रक्षा सहयोग पर भी जोर दिया। जोधपुर के एडीसीपी रघुनाथ गर्ग ने बताया कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यहां पर एक डिप्टी एसपी, एक एडिशनल एसपी इंस्पेक्टर और सभी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। जिन बच्चों की परीक्षा है उन्हें अनुमति दी गई है, डॉक्यूमेंट देखकर भेजा जा रहा है। देश में कोरोना के मामलों में एक दिन बाद ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना के आज 3,205 मामले सामने आए। इससे पहले कल यानी कि मंगलवार को कोरोना के 2,568 मामले सामने आए थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में 108 फीट ऊंची कैंपे गोड़ा की प्रतिमा का निर्माण कार्य तेजी से किया गया है। इस प्रतिमा के लिए 4,000 किलो की तलवार लाई गई है। ये प्रतिमा 30 एकड़ में फैले हेरिटेज पार्क में निर्मित हो रही है। औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे के विरुद्ध 2 समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया है। उन्होंने 1 मई को औरंगाबाद में हुई रैली में चेतावनी दी थी कि यदि 4 मई से लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज़ सुनाई पड़ी तो पूरे राज्य में मस्जिदों के सामने दुगनी आवाज़ में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा।
प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है। मौसम के बढ़ते मिजाज से इन लोगों को लू से राहत मिली और अगले 5 दिन तक भी उन्हें भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में उच्चतम तापमान 2 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भारत और जर्मनी संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इस बाबत जर्मनी लगभग 2400 करोड़ रुपए की मदद भारत को रियायती कर्ज के रूप में वर्ष 2025 तक मुहैया कराएगा। ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे की उम्र 12 से 17 साल के बीच है और अभी तक बच्चे को कोविड का टीका नहीं लगा है, तो एक खुशखबरी है उन सभी के लिए। एसआईआई ने कोवोवैक्स की प्रत्येक डोज की कीमत 900 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दी है। अमरोहा की आदमपुर थाना पुलिस ने नेपाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि नेपाल सैमसंग मोबाइल की कंपनी में नौकरी करता था। जब वो कंपनी के काम से जा रहा था तभी रास्ते में उसकी कंपनी में पहले काम करने वाले विनोद और विपिन ने रोककर नींद की गोलियां शराब में दी और उसकी हत्या कर सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बरेली में इंडस्ट्रीज फैक्ट्री एरिया में सचित फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में सो रहे कर्मचारियों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से करीब 45 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। यूपी के बहराइच बलरामपुर हाईवे पर राइस ब्रांड मिल में आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण आग में पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की 15 गाड़ियां आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। भिंड पुलिस ने लूट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 4 लाख का मशरूका जब्त किया। आरोपियों का संबंध उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है। इस मामले में भिंड एसपी सहित 2 आरक्षकों को सम्मानित भी किया गया। बिजनौर में पुलिस ने घायल पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौच और मारपीट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 3 मई को पुलिसकर्मी ड्यूटी के बाद थाना सिहारा की तरफ जा रहा था, तभी इकड़ा के पुल पर पुलिसकर्मी की बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर गिर गई। घटनास्थल पर 3 युवकों ने घायल पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के दतिया में पीतांबरा मां की जयंती और पीतांबरा मंदिर परिसर में दीपोत्सव मनाया गया। उत्सव में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंदिर में दीप जलाए। पूरा मंदिर परिसर 1 लाख दीपों से जगमगा उठा। डिंडोरी के ग्राम भानपुर में आदिवासी समुदाय के लोग गीत मिलन समारोह में शामिल हुए और समाज में एकता का संदेश दिया। गुणवाना गणतंत्र पार्टी के आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी, साथ ही भाईचारे का संदेश भी दिया। कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने दंपत्ति की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद दंपत्ति गजनेर थाने पहुंचे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित दंपत्ति न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। ललितपुर के तालबेहट में ब्राह्मण नव चेतना मंच और श्री सेवा दल ने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली, जिसमें भगवान परशुराम की वेशभूषा में सजी झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस यात्रा में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मनावर में भगवान परशुराम जयंती पर ब्राह्मण समाज ने चल समारोह निकाला। इस दौरान भाजपा नगर मंडल ने फूलों की वर्षा कर चल समारोह का भव्य स्वागत किया, तो वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर पाटीदार और सौरभ शर्मा ने भगवान के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। पलेरा में बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण को लेकर किसान यूनियन संघ ने ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की और 26 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश कुमार निरंजन ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य जब तक नहीं बन जाता संघर्ष करते रहेंगे।
रायबरेली में दो दिन पहले लापता हुए सराफा व्यवसायी का शव बरामद हुआ। मामला महाराजगंज थाना इलाके का है। 1 मई को राम नरेश अपने पैतृक घर याकूब नगर से लौट रहे थे, तभी कहीं गुम हो गए। उनके बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस खोजबीन में जुट गई। इस दौरान व्यवसायी का शव सुनसान इलाके से बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। रुड़की पाटली गुर्जर तेलीवाला में पीड़ित परिजन न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। परिजनों ने बताया कि उन्होंने थाने अपने बेटे सोयाब की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसी बीच सोयाब का शव मोहम्मदपुर छाल से बरामद हुआ। परिजनों ने सोयाब के दोस्त पर जान से मारने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अल्प प्रवास पर सागर पहुंचे, जहां वो प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के यहाँ आयोजित परिणय समारोह में शामिल हुए। उन्होंने वर वधु को आशीर्वाद देते हुए मंगल जीवन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही और अनेक संगठनों ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपे। सीतापुर के मनवा गांव में आइसक्रीम खाने से 32 बच्चे बीमार हो गए। सभी को सिधौली अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है, तो वहीं कुछ की हालत गंभीर है। डॉक्टर का कहना है कि हालत ज्यादा खराब होने पर सीतापुर या लखनऊ रेफर किया जा सकता है। पुलिस ने मामले में आइसक्रीम विक्रेता को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। विदिशा के शमशाबाद में महानीम चौराहे पर धाकड़ किरार समाज ने निःशुल्क विवाह सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉल के माध्यम से सभी वर वधु को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान वहां मौजूद पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा, विधायक राजश्री सिंह और भाजपा नेता मुकेश टंडन ने जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। विदिशा में बंगला घाट पर एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना एसटीआरएफ और होमगार्ड को दी गई। 1.5 घंटे बाद रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान 44 वर्षीय शैलेंद्र विश्वकर्मा निकासा के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। और पन्ना में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां प्रशासन की लापरवाही के चलते एक मां ने अपने बच्चे को खो दिया। दरअसल धर्मपुर अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला की हालत काफी नाजुक थी और उसे जिला अस्पताल ले जाना जरूरी था, लेकिन महिला को ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस नहीं मिली।